हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन दो प्याज़े की रेसिपी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया। से मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा करके मैंने ऐड किया है। सो मैरिनेट होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। इससे जो चिकन में टेस्ट अच्छा आता है। आई एम ए वेजिटेरियन बट ऐसा कहते हैं जो भी इस तरह अगर बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने प्याज काट लिया था। ये मैंने खड़े मसाले यूज़ किए हैं और ये मेरे मसाले हैं जिसमें नमक, हल्दी, चिकन मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च मैंने यूज़ किया है। एक मैंने कुकर में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। अगर आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसमें मैंने जितने भी खड़े मसाले थे उसे मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा जब ये आपका तेल गर्म हो जाएगा और जब आपके मसाले थोड़े से चट आवाज़ करने लगेंगे तो उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा हम भुनेंगे जब तक गोल्डन आपका कलर नहीं आ जाएगा प्याज में। ये एक्चुअली 2 किलो 3 किलो के हिसाब से बन रहा है इसलिए मैंने इतनी प्याज की क्वांटिटी लिया। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इसमें जितने भी मसाले थे वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे सीटी लगने देंगे। एक सीटी से जितने भी प्याज है वो अच्छे से घुल जाएगा। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में जो मेरा मैरिनेटेड चिकन था उसे हल्का सा हमने शैलो फ्राई किया है। डीप फ्राई नहीं किया है, शैलो फ्राई हल्का सा करके मैंने इसे अलग से निकाल के रख लिया था। इससे जो है चिकन का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता था। एक्चुअली हमारे घर पे तो कोई खाता नहीं है। पहले मम्मी पापा खाते थे तो लेकिन मेरी कज़न आ रही थी तो उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने ज़िद किया था कि आप बनाओ मौसी, आप बनाओ, मुझे आपके हाथ का खाना है। तो इस वजह से आज हमारे बहुत टाइम के बाद हमारे घर में चिकन बन रहा था। हम लोग तो टेस्ट नहीं कर पाए बट उसे बहुत अच्छा लगा था। तो जैसे ही मेरे ये जो चिकन है शैलो फ्राई होते चले गए तो मैंने इसे एक प्लेट में अलग कर दिया था। एक्चुअली हमारे यहाँ वेज नॉनवेज नहीं बनता है तो इसलिए हमने छोटा सा सिलेंडर रखा है जिसमें हम नॉनवेज बनाते हैं। इसके बर्तन एकदम अलग हैं। इसी तरह जितने भी हमारे मैरिनेटेड चिकन थे उसे मैंने फ्राई कर लिया था। और दूसरी तरफ जो एक सीटी लग गई थी कुकर में तो मेरा जो प्याज था वो अच्छे से घुल गया था और उसका बहुत ही सुंदर कलर आया था। तो जो मेरे फ्राइड चिकन थे और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और 2 सीटी लगने दी है क्योंकि चिकन जो है फ्राई हुआ है तो वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो गया है और 2 सीटी लगने पे उसका जो टेक्सचर है वो बाइट वाला अच्छा टेक्सचर आ जाता है। जैसे ही मेरी सीटी लग गई चिकन तैयार हो गया और इसे आप पराठे के साथ, लच्छा पराठे के साथ, चावल के साथ जैसे चाहे वैसे इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग तो इसे टेस्ट नहीं कर पाए पर मेरी कज़न को बहुत अच्छा लगा था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल।